जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है और आप जो प्यार सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका पर्सनली कौन सा मंत्र है जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। जो मन की कामना हम मन में रखते हैं, जो मनोकामना हम चाहते हैं, उसे हम कैसे पूर्ण कर पाए सिर्फ मंत्र के माध्यम से। ये बहुत यूनिक और बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक आप देखें ताकि आप इन चीज़ों को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से समझ पाएँ। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। दूसरी बात है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक लाइक से मुझे बड़ा पॉजिटिव फील होता है, इसलिए ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना है। कमेंट्स में आपको ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय जय शिवा, जो आपका मन हो ईश्वर का नाम लिखने का आप लिख सकते हैं। तीसरी बात है कि आप अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, इसका शुल्क लागू है। दोस्तों अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि हमें कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन से मंत्र हैं जिससे कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो सके। सबसे पहले सर्व सिद्धिकर मंत्र जो है वो आपका गुरु मंत्र है। अब आपके पास ये प्रश्न शुरू होता है कि हमने तो गुरु बनाया नहीं है पंडित जी, अब हम क्या करें। देखिए, गुरु अगर नहीं बनाया आपने तो आप शिव जी को गुरु माने। परम शिव जो है वो सबके गुरु हैं, देव के देव महादेव हैं, और उनके मंत्र जो है उसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, शिवाय, ओम, जो भी आपको अच्छा लगे उस मंत्र का जाप कंटिन्यू करना शुरू करें। अब उसके लिए आप कुछ तौर तरीके ये बात भी सीख लें कि मंत्र जब जो है वो मन में किया जाता है आप उसे बोल बोल कर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के ना करें, वो बिल्कुल गलत है। और उसको जब जब करें तब मन में जितने भी विकार हैं, जितने भी मन में नेगेटिव थॉट्स, जो भी नकारात्मकता और जो जो आप सोच रहे हैं उन सभी को बंद करें। मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा ध्यान हमारे मंत्र जप पर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, ये मेरा निजी अनुभव है और मैं आपको बहुत बड़ी बात शेयर कर रहा हूँ कि इस युग में केवल मंत्र जप और ईश्वर का जप ही आपके पास पूंजी है, बाकी जितनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं वो सब अपनी जगह है। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जप पर ध्यान दें, जितना हो सके उतना ईश्वर का जप करें, मंत्रों का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगे, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, आप हनुमान चालीसा का जप करते हैं कई बार, तो जितना जप करेंगे आप उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको बहुत जल्दी आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और ईश्वर की कृपा रहेगी। तो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और